एक बार काशी दे कोल एक इलाके दे नवाब ने गुरु नानक जी नूं पुछया, तुहाडे प्रवचन दा महत्व ज़्यादा है जां मेरी दौलत दा? तां नानक जी ने कहा, इसका जवाब सही समा आउण ते दित्ता जाएगा। कुछ समय बाद नानक जी ने नवाब नूं काशी दे 80 घाट ते 100 सोने दीआं मोहरां लै के आउण नूं कहा। आप जी उत्थे सत्संग कर रहे सी। नवाब ने सोने दीआं मोहरां नाल भरिया होया थाल बाबे नानक दे कोल रख दिता अते आप पिछे बैठ के सत्संग सुन लग्या। उत्थे एक थाल पहला तो ही रख्या होया सी। सत्संग खत्म होण दे बाद बाबा नानक जी ने थाल चो सोने दीआं मोहरां नूं मुट्ठी च लै लिया ते उन्हां नूं कई वार खणकाया। भीड़ नूं पता चल गया कि सोने दीआं मोहरां नवाब दे वल्लों बाबे नानक नूं भेट कीतियां गईआं ने। थोड़ी देर बाद अचानक बाबा नानक जी ने थाल विचों सोने दीआं मोहरां चक के गंगा च सुटनियां शुरू कर दित्तियां। ये देख के उत्थे हफड़ा दफड़ी मच गई। कई लोग सोने दीआं मोहरां लैण दे लई गंगा च कुद गए। भगदड़ च कई लोग जख्मी हो गए। मारपीट की नौबत आ गई। नवाब नूं समझ ना आया कि आखिर गुरु नानक जी ने सब क्यों किया। तो उदों ही गुरु नानक ने जोर नाल कहा, भरावो असली सोने दीआं मोहरां मेरे कोल ने। गंगा च सुटियां गईआं मोहरां नकली सी। तुसीं लोग शांति दे नाल बैठ जाओ। जदों सारे लोग बैठ गए तां नवाब ने पुछया, तुसीं इह तमाशा क्यों किया? धन दे लालच विच तां लोग एक दूसरे की जान भी लै सकते ने। नानक ने कहा, मैं जो कुछ किया वो तुहाडे सवाल का जवाब सी। तुसी ने देख लिया कि प्रवचन सुनते समय लोग सब कुछ भुल के उस परमात्मा की याद च टुप जाते ने, पर माया लोगों नू सर्वनाश वाले पासे लैके जाती है। प्रवचन लोगों नू शांति ते सद्भावना का सुनेहा दिंदे ने, पर दौलत तां एक दूजे नाल फिक पवाउण दा रस्ता है। नवाब नू अपनी गलती का एहसास हो गया अते उसनू अपने सवाल का उत्तर भी मिल गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लगी तां बाकियां नाल भी जरूर शेयर करो। धन्यवाद। सबसक्राइब करो साडा चैनल पंजाबी क्रिएशंस, बैल आइकन पर क्लिक करो साड़ियाँ वीडियोज़ सब तो पहला देखने लिए।